प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि किसे हम वैदिक गणित कहते हैं, वैदिक गणित के कितने सूत्र हैं और ये सूत्र कहाँ से आए। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि वैदिक गणित के इन सूत्रों की खोज किसने की, या फिर ये कहें कि वैदिक गणित के सूत्रों के खोजकर्ता कौन है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें वैदिक गणित के 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों के बारे में, तो इनके जो खोजकर्ता हैं वो है स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने अथर्ववेद से वैदिक गणित के इन 16 सूत्रों का सृजन किया है। वैदिक वेदों से इन 16 सूत्रों की खोज की है। प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज का जन्म 1884 में हुआ। बचपन से ही स्वामी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। असाधारण प्रतिभा के धनी स्वामी जी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य थे, जो कि जगन्नाथपुरी में है। स्वामी जी गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, खगोल शास्त्र, ज्योतिष, आध्यात्मिक विज्ञानों और वेदों के असाधारण विद्वान थे, यानी कि उनको इन सभी विषयों में बहुत व्यापक ज्ञान प्राप्त था। स्वामी जी ने इन 16 सूत्रों की जो खोज है 1911 से 1918 के मध्य की थी। स्वामी जी ने इन 16 सूत्रों के लिए 16 पांडुलिपियां लिखी थी। प्रत्येक सूत्र के लिए एक विस्तृत पांडुलिपि थी, जिसमें उस सूत्र के संबंध में व्यापक अध्ययन किया जा सकता था। स्वामी जी द्वारा लिखित इन 16 पांडुलिपियों के नष्ट हो जाने के कारण उन्होंने 1957 में इन्हें दोबारा लिखना शुरू किया, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे केवल इन सूत्रों की प्रस्तावना ही लिख पाए और वैदिक गणित के बारे में जो हमें ज्ञान प्राप्त है वो इस प्रस्तावना के माध्यम से ही प्राप्त है। 1960 में स्वामी जी ने महासमाधि ले ली। कहने का तात्पर्य है कि 1960 में स्वामी जी का स्वर्गवास हो गया। स्वामी जी द्वारा खोजे गए सूत्रों और उपसूत्रों पर लिखी गई पहली पुस्तक वैदिक गणित के नाम से 1965 में प्रकाशित हुई। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अपने अगले वीडियो लेक्चर में हम 16 सूत्रों के बारे में बात करेंगे। ये जो 16 शब्द सूत्र हैं संस्कृत भाषा के, इन 16 सूत्रों के बारे में जानेंगे और क्या इनका अर्थ है इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना जरूर। थैंक यू वेरी मच।